रामेश्वरम की इसमें पूरी यात्रा दिखा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ क्या से क्या करना। स्वागत है गाइस फिर से आपका एक नई वीडियो में, और मैं हूँ फिलहाल अभी रामेश्वरम में। और बाकी इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको रामेश्वरम की यात्रा कैसे करनी है, क्या क्या बस ट्रेन और आपका लोकल वगैरह क्या क्या आपको यूज़ करना है, किस तरह से दर्शन वगैरह, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज डेट है, मैंने सुबह सुबह कर लिए थे क्योंकि मैंने कल चेन्नई से ट्रेन पकड़ी थी 2 बजे और उसने रात को 3 बजे मुझे उतार दिया रामेश्वरम मेट्रो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद में फिर 22 घंटों में स्नान किया है, ठीक। बाकी आपको जो वीडियो में दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ना समुद्र है ना, जो मेन गेट है ये रहा रामेश्वरम का मैन टेम्पल, ये रहा मंदिर, मंदिर के सामने जस्ट ढाबा है। ढाबे तो यार बहुत सारे ढाबे, होटल, लॉन्च, रेस्टोरेंट वगैरह। और अभी इडली लिए प्लेट, देखते हैं अगर टेस्ट कैसा है। यार साउथ इंडियन फूड जो है ना वाकई में बहुत बहुत टेस्टी है, कुछ भी खा लो। नॉर्थ इंडियन जैसे खाना नहीं है। बाकी आपको जो है ना यहाँ पे जैसे मैंने देखा है मून बीच वगैरह के स्टोर वगैरह मंदिर परिसर से तो आउट मिलेंगे थोड़े, लेकिन आपको नियर बाय में पूरा फूल मिलेगा। स्पून मिलेगा, स्पून स्पून नहीं, आप में गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कहीं मिलेगा। ये है मंदिर, भूख लगी हुई। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का है बहुत ज़्यादा, वहाँ जो इडली वगैरह मिलती ना इतनी कुछ खास टेस्टी वगैरह तो थी नहीं यार। का मंदिर ठीक, और ये आसपास की यहाँ की मार्केट है, मार्केट प्लेस है सारा कुछ। और मंदिर में दर्शन करने के लिए जो है ना, जैसे अभी ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है अग्नि तीर्थम के लिए, स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में आप मंदिर के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको 22 स्नान करना है, 22 मिनटों का स्नान भी यहाँ पर होता है, 22 मिनटों का स्नान अगर आपको करना है तो आपको जो है ना ये जो रास्ता जा रहा है सामने से राइट लेके तब एक और इसी तरह का गेट है, एंट्री है, इसी तरह की ये एक और एंट्री है, फिर वहाँ से 25 रुपये की स्लिप कटती है ठीक, लाइन में लग के तब आपको 22 कुंडों का स्नान किया करवाया जाता है। उसमेश्वरम के अंदर जब आप एंटर करोगे ना तो 22 कुंड का आपको स्नान मिलेगा, जिसकी आपकी 25 रुपये की पर्ची कटेगी ठीक है। पर्ची कटने के बाद में सबसे पहला जो कुंड आपका पड़ेगा वो लक्ष्मी जी का पड़ेगा, उसके बाद में बहुत सारे कुंड पड़ेंगे, टोटल कुंड है 22 ठीक है। अभी फिलहाल ये है आपका कुंड नंबर 7वां ठीक, और इसके बाद में 7, 8, 9, 10 आगे भी बहुत सारे हैं। रामेश्वरम की इसमें पूरी यात्रा दिखा रहा हूँ ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ क्या से क्या करना, अभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें आपको, के बाद में आप दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर जो खुलता है ना सुबह को 4 बजे से खुल जाता है, यहाँ में 4 बजे से 6 बजे तक, फिर खुलता है 7 बजे के आसपास, क्योंकि 1 घंटे तक वो पर्दा डाल के रखते हैं, 7, 7:30 ऐसे ही 1 घंटे तक पर्दा डाल के रखते हैं, उसके बाद में आपको दर्शन के लिए कंटिन्यू वगैरह भेजते हैं। बाकी ये मंदिर के आसपास के प्रसाद की दुकानें, दीप दान, मंदिर परिसर में एंट्री करने के बाद में अगर आपको 50 रुपये वाली पर्ची है, 100 रुपये वाली पर्ची है और 200 रुपये वाली पर्ची है ठीक है, ये कोई स्पेशल सुपर स्पेशल पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा है, इसी में अगर आप 50 रुपये वाली पर्ची लोगे ना तो उसमें आपको लगेंगे तकरीबन आपको एक डेढ़ घंटा कम से कम मान के चलिए ठीक है। उसके बाद में 100 रुपये वाली अगर आपकी पर्ची है तो उसमें आपको डेढ़ घंटे से कम, बाकी आधे घंटे में अगर आप 200 रुपये वाली पर्ची ले रहे हो तो आधा घंटा आपको लगना है। बाकी ये मार्केट प्लेस है यहाँ का, अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए ये रहा मंदिर, मंदिर से जस्ट आप जैसे आओगे तो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ना ये आपका अग्नि तीर्थम के लिए जा रहा है। अभी आपको समुद्र दिखाते हैं बिल्कुल नियर बाय। गाइज अभी चलते चलते जो है ना एक पंडित जी मिले हैं, पंडित जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। पंडित जी कहाँ से आप? हरे कृष्णा। ओके, रामेश्वरम कब आना आपका? एक्चुअली फ्रॉम टुडे, आज ही आया हूं, चेन्नई आए थे। अच्छा, चेन्नई से रामेश्वरम आए, श्री राम के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग थी, ज्योतिर्लिंग में आती है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मतलब एक है और चार धाम इंडिया के जो चार धाम में से एक है, पढ़ाई का भाग्य है, मेरे माता पिता की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा, सब भक्तों की कृपा है, कृपा जी आप सब भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमेशा दर्शन में। हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो फिलहाल ये पंडित जी जो है बालक बहन से बहुत देर से बात भी कर रहा था, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश है। बाकी यार मतलब एक होता है ना कि एक स्थान पर किस तरीके से वेशभूषा में, हम तो क्या है ना नॉर्थ इंडिया वाले हैं, वो ऐसे ही आगे आ जाते हैं हम। ठीक, उसके बाद में ये पूरे पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ आए हैं। उसके बाद देखो कितना प्यारा वाला सीन दिखाने वाला हूँ मैं आपको। समुद्र, इसको अग्नि तीर्थम बोलते हैं। और यहाँ कुछ जो भक्तगण होते हैं ना वो पहले यहाँ भी स्नान करते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर वहाँ वहाँ पे जाते हैं। बाकी रामेश्वरम में ये रहा, ये क्या ढूंढो, ये अग्नि तीर्थम। यहाँ भगवान जी के दर्शन करने से पहले स्नान किया जाता है, स्नान सभी करते हैं मतलब जितने भी आते हैं यहाँ पे, और बाकी पूजा पाठ वगैरह चलती रहती है घाटों पर। देखना दूर दूर तक समुद्र है। ये जो ये बोट है ना, इस बोट का प्राइस राइस पता नहीं क्या है क्या होगा, बाकी भी देखते हैं, चल के देखते हैं। कि आज जो है ना, आज मेरी दो शिवलिंग के दर्शन पूरे हुए हैं। सबसे पहले मैंने काशी भगवान काशी विश्वनाथ के किए थे और आज मेरा सेकंड है। इसको तीन समुद्रों का मिलन भी बोलते हैं, मतलब ऐसा बताया गया है कि तीन समुद्र आपस में आके मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, इंडियन सी और अरेबियन सी। तो फिलहाल कुछ नज़ारे यहाँ के ऐसे हैं। बाकी इधर जो खड़ी हुई ना बोट बहुत सारी खड़ी हुई। गाइस ये है बस शेल्टर अग्नि तीर्थम, ये अग्नि तीर्थम वाला बस स्टैंड है। यहाँ से धनुषकोड़ी के लिए बस मिलेगी, एक धनुषकोड़ी के लिए जो बस है ना, बस नंबर 3 और बस नंबर 2A ये भी जाती है, ठीक है। और बाकी जो टिकट प्राइस है ना, अभी अभी आपको अंदर चौकी बताता हूँ कितना है कितना नहीं। बाकी यहाँ से 25 किलोमीटर है और जो टाइम कोई 25 किलोमीटर का आप लगा लो, कम से कम एक घंटा तो लेगी आने में, अप एंड डाउन में 2 घंटा, ठीक है। बाकी वहाँ थोड़ा बहुत घूमने फिरने में थोड़ा बहुत और टाइम लग जाएगा। पूछ लिया आपने, जाएगी धनुषकोड़ी अंकल, व्हाट्स योर रिटर्न टाइम? रिटर्न टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा। अरे वो नॉर्थ में जाके आने का बता रहे हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है वहाँ, ज्यादा कुछ घूमने फिरने का गांव है, मेशन है। बदमाशी सुबह जी जर्नी होने वाली है अग्नि तीर्थम से, मतलब रामेश्वरम से धनुषकोड़ी के लिए, ठीक है। वीडियो में फिलहाल बने रहिए और अभी जो समुद्र के जो नज़ारे मिलेंगे ना आपको उसमें यहाँ देखने के लिए एक से एक नज़ारे मिलेंगे। दोनों साइड समुद्र है, बीच में रोड है, ये 20 से 25 किलोमीटर का शायद रोड रहेगा, बाकी देखने के लिए आपको मिलेगा। Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. के लास्ट लैंड पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूं अभी धनुषकोड़ी में और नज़ारे देखो फिलहाल यहां के कैसे हैं। यहां से श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है, 16 किलोमीटर कुल है। सो इंडिया के लास्ट लैंड पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है और फिलहाल यहां कुछ अभी फोटो सेशन चल रहा है। बहुत इच्छा थी मेरी यहां पे आने की। अरे वाह, मछलियों को खाना खिला, मछलियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं।
वो सामने श्रीलंका है ना, वो दिखाई दे रहा है क्लियर है? आप दूरबीन की सहायता से श्रीलंका को देख सकते हैं। फिलहाल मैं वही करना अभी जा रहा हूँ। थैंक यू अन्ना। हाँ, इंडिया का लास्ट पॉइंट आज की जो इस ब्लॉग में जो है ना, इस ब्लॉग से पहले मैंने रामेश्वरम का पूरा कंप्लीट ब्लॉग डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपकी आप में से कोई रामेश्वरम की यात्रा करना चाह रहा है, ठीक है, तो बाय ट्रेन कैसे करनी है उसमें मैंने पूरी जर्नी दिखा रखी है, चेन्नई से लेके रामेश्वरम। और बाकी फिलहाल कुछ नज़ारे ऐसे हैं, पूरा एक टूरिस्ट हब बना हुआ है यार यहाँ पर, कुछ यहाँ का ऐसा व्यू। और फिलहाल टूरिस्टों की तो भरमार है, चारों तरफ ना टूरिस्ट टूरिस्ट हैं। ये इंडिया का लास्ट लैंड पॉइंट है। वही यहाँ भी थोड़ा घूमेंगे समुद्र पे, अभी उस पार पहुँचेंगे यहाँ का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से श्रीलंका जो है ना 16-17 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर तो है नहीं। चले श्रीलंका है? तैरते तैरते पहुंच ही जाएंगे आराम से। धनुषकोडी लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया।